Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class. So, आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं कुछ idioms and these idioms are important for any competitive exam जिसके अंदर English vocab जो है एक बहुत ही ज़्यादा important part है. So, after doing today's idioms, we will revise जो हमने पहले वाले जो idioms किए थे ना इससे पहले वाली क्लास में, मतलब दिस इज आवर 24th क्लास एंड 23rd क्लास में जो idioms किए थे उनको भी रिवाइज करेंगे. आई ऑलवेज फोकस ऑन रिविजन पार्ट बिकॉज गाइज वही बात है कि आप एक चीज याद रखो, एक दिमाग में एक बात को फिक्स करो. आपने कल कोई चीज पढ़ी और आज आपको वो याद नहीं होगी, मतलब एक दिन बाद ही आपको वो चीज याद नहीं होगी, तो जब आपके एग्जाम्स होंगे 2-3 महीने बाद तो अब आपको 10 idiom याद रखने में दिक्कत आ रही है, और जब आपका 1-2 महीने बाद या 2-3 महीने बाद जब एग्जाम होगा तब तक तो आपको 500-1000 तक idioms करने होंगे, तब आप इतने सारे idioms कैसे याद रखेंगे. तो अगर आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो आपको पहले थोड़े से शुरुआत करनी होगी. कोशिश करो 10-20 idioms को बार 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 अपने माइंड से रिकॉल करने की. तो जब आप 10-20 idioms को याद नहीं रख पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो इतने ज़्यादा वास्ट सिलेबस को आप लोग कैसे याद रखेंगे. तो इसी के लिए रिवीजन की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आदत डालो. और ये सिर्फ मैं इंग्लिश के वकैब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, चाहे वो आपका जीके है, करंट अफेयर है, कोई भी है, ठीक है, जिसमें आपको याद करनी होती है चीज़ें. तो ये हर एग्ज़ाम और हर सब्जेक्ट के केस में मैं बोल रही हूँ, ठीक है. सो And this class is presented by me, your teacher Pooja Duran. This is all about me. Unacademy Plus पे मैंने पढ़ा है, Edu Uncle पर किताब एक्सपर्ट हूँ, और 7 years मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है. ऑनलाइन मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ. सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट idiom से. फर्स्ट idiom है मैन ऑफ मीन्स. द idiom इज मैन ऑफ मीन्स, ठीक है. मैन ऑफ मीन्स का मतलब यहां पर क्या होगा बताओ. देखो हम सबको पता है कि भाई मैन ऑफ मीन्स, ठीक है, मैन ऑफ मीन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है. मीन्स का मतलब वो एक तरीके से सोर्सेज, और यू कैन से स्त्रोत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, भाई जिसके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, दौलत शोहरत कमाने के, मतलब उसके पास मीन्स की कमी नहीं. ऐसा नहीं वो सिर्फ उसके पास ऐसा नहीं बोलते कि भाई आज के टाइम पे आपके पास मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए. भाई अगर 1 सोर्स ऑफ इनकम आपका काम नहीं करता तो आप 2nd सोर्स ऑफ इनकम से अपनी लाइफ को फर्दर क्या कर सकते हो, अच्छे से निकाल सकते हो. तो अब आप लोग खुद बताओ गाइस कि जिस पर्सन के पास बहुत सारे मींस होंगे इनकम के तो वो क्या होगा, वो एक वेल्दी मैन होगा, मतलब एक वो समृद्ध व्यक्ति होगा जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ है उसके पास, ठीक है, सोना चांदी. तो मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है एक समृद्ध व्यक्ति, अ वेल्दी मैन, ठीक है. तो मीन्स को यहाँ से सोर्सेज से याद रखना कि जिसके पास जितने ज्यादा मीन्स होंगे इनकम के वो उतना ही क्या होगा, एक वेल्दी मैन होगा. सेकंड idiom है मैन ऑफ लेटर. मैन ऑफ लेटर, देखो मैन ऑफ लेटर का मतलब यहाँ पर होता है गाइस एक विद्वान व्यक्ति. देखो समृद्ध में और विद्वान में बहुत डिफरेंस है. जरूरी नहीं है जिसके पास पैसा और दौलत शोहरत है वो एक विद्वान व्यक्ति हो, एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है बहुत बड़ा बेवकूफ हो, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति, ठीक है. हम कई बार अपनी पुरानी स्टोरीज वगैरह में देखते हैं जो आध्यात्मिक स्टोरीज वगैरह होती है, वहाँ पे वो जो ऋषि गुरु वगैरह होते हैं वो इतने विद्वान होते हैं, उनको इतनी ज्यादा शिक्षा आती है, ठीक है, वो अपने शिष्यों को ट्रेन करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा इतना नहीं होता. तो मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है एक विद्वान व्यक्ति. अब इसको आप कैसे याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है, एक गांव है, ठीक है, वहां पे एक मैन है मतलब एक ऋषि है. तो उस भाई उस पूरे गांव में किसी को लेटर नहीं लिखना आता, ठीक है, किसी मतलब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, लेकिन वहां पर किसी को भी लेटर लिखवाना होता है तो वो बार बार उस मैन के पास जाते हैं, उस ऋषि के पास जाते हैं, भाई हमें इस लेटर को लिखवाना है.
तो इससे क्या पता चला भाई, पूरे गांव में जिस पर्सन को लेटर लिखना आता है, जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, तो वो क्या होगा, वो लर्न पर्सन होगा, मतलब वो एक विद्वान व्यक्ति होगा। ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, उसी को तो आप विद्वान बोलोगे ना। पैसे से थोड़ी ना आती है ये चीजें, इंटेलिजेंस से पैसा आ सकता है, लेकिन पैसे से इंटेलिजेंस ही आना थोड़ा मुश्किल है। मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, देखो एक पर्सन के पार्ट्स को आप यहाँ पर लेकर चलो क्वालिटी से, मतलब एक पर्सन के पास सारी क्वालिटीज होना, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वालिटी होना, ठीक है, सुयोग्य व्यक्ति। जैसे कई बार ऐसा होता नहीं कि कोई पर्सन भाई करियर में भी अच्छा निकल गया, लोगों के साथ उसका मतलब बिहेवियर भी अच्छा है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखता है, और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, डांसिंग सिंगिंग में, मतलब लाइफ का तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें वो अच्छा ना हो, जिसमें वो अच्छा ना हो। तो पार्ट्स को यहाँ पर याद रखो, क्वालिटी से या फिर उसकी स्किल्स से। कोई स्टूडेंट है भाई, उसके अंदर सारी स्किल्स है, कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है उसको, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी आती है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो आप उसको बोलोगे मैन ऑफ पार्ट्स, मतलब अ मैन ऑफ क्वालिटी, मतलब सुयोग्य व्यक्ति, जो योग्य हो हर काम को करने में, एबल हो, ठीक है, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो। मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब हम सबको पता है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, उत्साह, ठीक है। और मैन ऑफ स्पिरिट मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज्यादा स्पिरिट है, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है वो पर्सन, और उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है, क्रेज वर्ड भी होता है, ठीक है। तो जिस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होगा तो वो क्या होगा, वो उत्साहित व्यक्ति होगा, हर काम को बहुत ज्यादा डेडिकेशन से और स्पिरिट से करता होगा, तो अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म, ठीक है, एक उत्साहित व्यक्ति। फिफ्थ इडियम इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। देखो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है स्ट्रॉ, ये नहीं होते जो हम लोग जूस वगैरह पीने जाते हैं, तो हम एक प्लास्टिक का वो सिप सा, जिससे हम सिप करके पीते हैं, है ना, ऐसे एक लंबी सी डंडी होती है, उसको हम स्ट्रॉ ही तो बोलते हैं, ऐसे जिससे हम ग्लास में डालकर दूध, मतलब सॉरी, जूस वगैरह पीते हैं। तो भाई जो इंसान स्ट्रॉ बेचता होगा, जो इन पाइप को बेचता होगा, कैसा इंसान होगा, वो एक वीक पर्सन होगा, ठीक है। उसके पास अच्छे खासे मौके आए थे लाइफ में आगे बढ़ने के, लेकिन उसने उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचाना। तो ए वीक पर्सन का मतलब यहाँ पर फिजिकली वीकनेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वीक पर्सन का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसा पर्सन जिसका कोई मत नहीं है, मतलब कोई उसको, मतलब कोई भी डिसीजन लेते टाइम कुछ नहीं समझता, मतलब जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है मैन ऑफ स्ट्रो। तो इन तरीकों से आप लोग इन इडियम्स को याद रख सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ, हर क्लास के अंदर कहती हूँ, जब भी आप कोई इडियम करें तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनसे आप उसके मीनिंग निकालने की कोशिश करें, ठीक है। सिक्स्थ इडियम इज मैन ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा मैन, एक ऐसा इंसान जिसने सारी दुनिया घूमी है। अब सारी दुनिया घूमी है भाई उसने, तो उसने सभी देशों की लैंग्वेज भी सीखी। भाई अगर वो अमेरिका जा रहा है, वो मान लो जर्मन जा रहा है, ठीक है, तो उसने हर एक लैंग्वेज भी सीखी। मतलब वो जर्मन जा रहा है तो जर्मनी बोलकर वहां से लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब एक इंसान पूरी दुनिया घूम लेता है, उसको सभी लैंग्वेजेस आ जाती है वहां के, मतलब उसको सारी स्किल्स आ जाती है, तो वो क्या होगा, वो एक अनुभवी व्यक्ति होगा, वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा। क्योंकि भाई दुनिया घूमने के बाद इंसान को कितना अनुभव आ जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा कि आपके मोहल्ले में से, आपके समाज, मतलब आपकी सोसाइटी में से कोई बच्चा बाहर पढ़ने चला जाता है, आपने कभी वो 7-8 साल पहले देखा था, और 7-8 साल बाद जब आप उसको देखते हो, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, उसका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल। तो हम ये नहीं बोलते भाई बाहर जाने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, तो सोचो ये तो पूरी दुनिया घूम के आए, तो ये कितना अनुभवी व्यक्ति होगा ना। तो एन एक्सपीरियंस पर्सन, ये है हमारे इडियम का मीनिंग, मैन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है मैन ऑफ वर्ल्ड। देखो ये गलत, यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, वो था मैन ऑफ वर्ल्ड और ये है मैन ऑफ वर्ड, ठीक है, मैन ऑफ वर्ल्ड।
आप लोगों को एक इडियम याद है, हमने आई थिंक इससे पहले वाली क्लास में ही किया हो या उससे पहले वाली में, चलो जिसमें भी किया था उसमें एक आया था कीप वंस वर्ड। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ वर्ड से रिलेटेड आए ना, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव सा मीनिंग निकल रहा है। कीप वंस वर्ड का मतलब था भाई प्रतिज्ञा पूरी करना या अपना प्रोमिस पूरा करना, आपने जो भी वादा किया था उसको पूरा करना। अब यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है मैन ऑफ वर्ड, मतलब ये वो मैन है, ये वो इंसान है। भाई एक बार इसने कोई शब्द कह दिया या कोई बात कह दी तो ये अपनी जुबान का सच्चा है, अपनी जुबान का पक्का है। भाई इसने अगर किसी को कमिटमेंट कर दी, भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपके इस काम आऊंगा, तो ये अपने शब्दों से अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, अपनी जुबान का पक्का होना, भाई इसने जो शब्द एक बार कह दिए उनको पूरा करके दिखाएगा। तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जुबान का सच्चा भी और पक्का भी, ट्रू टू वंस वर्ड। नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट। चलो ठीक है, इसका मीनिंग ना आप लोग मुझे निकाल के दिखाओ, मेयर्स नेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतनी बार बता लिया कि आप लोगों को ना ये जो इडियम्स के अंदर जो शब्द दिए होते हैं ना, ठीक है, ये जो शब्द दिए होते हैं इनसे मीनिंग निकालना होता है। चलो एक बात बताओ मुझे, मेयर किसका फीमेल है? हॉर्स का होता है ना, हम सबको पता है हॉर्स हो गया घोड़ा और मेयर हो गई घोड़ी। ठीक है, तो हॉर्स एंड मेयर। अब एक बात बताओ, घोड़ा जो है क्या वो नेस्ट में रहता है, क्या वो घोंसले में रहता है? नहीं ना। तो हम सबको पता है भी नेस्ट में छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं, जानवर जो होते हैं वो रहते हैं ना, कि घोड़े जैसे भारी भरकम जानवर रहता है। तो ये तो एक झूठी बात भी ना, मतलब ये सच हो ही नहीं सकता। मेयर्स नेस्ट है ना, एक घोड़े का मतलब घोंसला, तो इसका मतलब होता है अ फॉल्स इन्वेंशन। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को कहा है, प्लीज इनको थोड़ा सा समझा करो, थोड़ा सा देखा करो। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है झूठी अफवाह। मान लो जंगल में मतलब बात ऐसे ही चल गई कि भी घोड़े का घोंसला, घोड़े का घोंसला, तो ये क्या है, सबको पता है घोड़ा घोंसले में नहीं रहता, तो वो एक झूठी अफवाह होगी। ठीक है, तो अगर मेयर का यही तो बेसिक वकैब है गाइस, अगर आपकी बेसिक वकैब भी है ना, तो आप इन एरियम्स को वैसे भी सोल्व कर सकते थे। अगर आपको पता होता है मेयर घोड़ा और नेस्ट घोंसला भी, कौन से घोड़े का घोंसला होता है। नेक्स्ट इज मिडास टच। देखो कई बार हम ऐसे नहीं बोलते कि हम मूवीज में देखते हुए उसके अंदर जादुई शक्ति, वो किसी भी चीज पे हाथ रखता है तो वो सोने की हो जाती है या वो उसकी हो जाती है ना। तो मिडास टच का मतलब होता है एक ऐसा टच, मतलब एक जादुई शक्ति। अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, मतलब एक ऐसा इंसान। हम कई बार ये नहीं बोलते कि यार ये बंदा बहुत लकी है, मतलब ये कोई भी काम करता है ना उस काम में सक्सेसफुल होता है, उसमें प्रॉफिट होता ही होता है। तो बस ऐसे एक ऐसा व्यक्ति जो जो भी काम करता है उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है, उसमें उसको फायदा मिलता है, लाभदायक सिद्ध होता है वो काम। ठीक है, तो ये होता है मिडास टच। 10th इज टू माइंड वंस पीज एंड क्यू। टू माइंड वंस पीज एंड क्यू। देखो हम सबको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही क्या है, पी क्यू आर एस, ऐसे है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले क्यू अल्फाबेट आता है देन पी आता है, ये गलत है। ठीक है, पहले पी आता है फिर क्यू आता है। ठीक है, दिस इज द राइट ऑर्डर। सो अब जब कोई इंसान बिल्कुल हर एक काम को और किसी भी बात को बहुत ही अच्छे बिहेवियर से, बहुत ही अच्छे शिष्टाचार के तरीके से करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं आप कुछ भी बात कह रहे हो, किसी के भी बारे में कह रहे हो, आपको पता है पी एंड क्यू, मतलब आपको एक, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसको ABCD आते हो उसको शिष्टाचार का पता है। इडियम्स के अंदर आपको मीनिंग्स निकालने होते हैं। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, भाई उसको पता है जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक सही क्या होता है, पी क्यू आर एस, वैसे इस बंदे को पता है कि बिहेवियर करने का एक सही तरीका क्या है, एक शिष्टाचार क्या होता है। तो शिष्टाचार का सही पालन करना या पूरा ध्यान रखना,
टू माइंड वंस पीज एंड क्यूर, मतलब ये अपने दिमाग में हमेशा फिक्स रखता है भी मुझे हर किसी से बहुत ही प्रॉपरली बिहेव करना है, किसी भी तरह का कुछ गलत नहीं बोलना है। ओके सो ये थे आज के हमारे इडियम। फटाफट से लास्ट क्लास के इडियम्स को रिवाइज कर लेते हैं 23rd के, और उसी के साथ फिर हमारी क्लास हो जाएगी एंड। तो लास्ट क्लास में हमने किए थे मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है निर्णय करना या डिसाइड कर लेना। मेक और मार का मतलब था बनाना और बिगाड़ना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ हिल का मतलब, आउट ऑफ अ मोल हिल का मतलब था बात का बतंगड़ बनाना या तिल का पहाड़ बनाना। मेक अ हैश का मतलब था यहाँ पर गड़बड़ कर देना। मैडन नेम का मतलब था भाई एक वीमन का, ठीक है, जो शादी से पहले का जो उसका सरनेम होता है, जो उसका गोत्र होता है, ठीक है। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है। मैड एज अ मार्च हेयर का मतलब होता है सिरफिरा। लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है गला भर जाना, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से नहीं बट इमोशंस की वजह से। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है झूठे आवरण से देखना, भाई कलर्ड ग्लासेस से देखोगे तो आपको सब कुछ झूठी दिखाई देगा ना। लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है अस्वस्थ दिखाई देना, जब आपका रंग बिल्कुल ऐसा लगे डल सा है ना, तो आप अस्वस्थ दिखाई दोगे, अनहेल्दी इल दिखाई दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं एंड। और अगर इन क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप अपने फोन पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।